दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। यहां दो सगे भाइयों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बता दें कि दोनों भाई घर से खाना खाकर टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे, जिनके सुबह इमली भाटा कैनाल रेलवे ट्रैक पर कटी हुई लाशें मिली हैं। पीड़ित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, महासमुंद से ये पूरा मामला निकल कर आया है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ, दो लोगों की मौत हुई। और देखिए, दो सगे भाई थे जिनकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। तो बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद दोनों भाई टहलने के लिए निकले थे, लेकिन कैसे ये पूरा हादसा हुआ इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है कि ये आत्महत्या थी या फिर हत्या थी। मेरे दोनों लड़का है। कैसे क्या हुआ आपको, कैसे पता चला? मेरे को सुबह पता चला सर, मतलब ना सुबह से उठी और ना चाय कुछ नहीं है। सुबह जैसे उठ रही वैसे ना कॉल आया, उसके बाद बोले कि दो झने लड़का पड़े हैं पटरी में करके, इतना जानती हूँ मैं। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती। कोई विवाद पहले से कुछ ऐसा कुछ रहा हो? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। सिर्फ खाना ना खाए, बाहर बैठे थे, पिक्चर देख रहे थे। उसके बाद में ना इन लोग क्या बोलते आ रहे हैं करके बोले, घूम कर थोड़ा देर टहल के, तो जाके देखी तो इन लोग थे दोनों जने। उसके बाद में ना जब हम लोग ना के सो गए ना, फिर वहां से ना पता हो गए थे दोनों जने। पत्नी की नाराजगी वजह से सुनील काफी दिनों से डिप्रेशन में था, ऐसा सूचना मिली उनके घर वालों द्वारा। और उसके बाद ये रात को लगभग 1:30 बजे किसी ट्रेन से इनका दोनों कट गए और जिससे इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 5:30-6 बजे पुलिस को सूचना मिली है और स्टेशन मास्टर महासमुंद को रात 3:30 बजे इस दुर्घटना की सूचना मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है।